मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव। प्रिय बच्चों, आज अपन इनकम टैक्स में नया अध्याय निवास स्थिति एवं कर भार शुरू करते हैं। इसमें आपको ध्यान देने योग्य बात है, देखो इसमें निवास स्थिति, निवास की स्थिति कैसी है, और दूसरा पार्ट है इसका कर भार। इसमें निवास की स्थिति के लिए आयकर अधिनियम की धारा 5, आयकर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार करदाता की गत वर्ष की कुल आय का क्षेत्र, गत वर्ष में उसके भारत में निवास की स्थिति पर निर्भर करता है। करदाताओं की निवास की स्थिति का निर्धारण प्रत्येक गत वर्ष में करदाता के निवास के स्थान के आधार पर किया जाता है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति आज निवासी है वो आगामी कर निर्धारण वर्ष में भी निवासी रहे। कोई ऐसा साधारण निवासी है वो अगले कर निर्धारण वर्ष में निवासी भी हो सकता है। ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है और ये बदलता भी रहता है। कोई व्यक्ति आज नागरिक, भारत का नागरिक होना एक अलग बात है और निवास स्थिति एक अलग। करदाताओं के दृष्टि से हम निवास स्थिति के आधार पर करदाताओं को व्यष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म, कंपनी में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं व्यष्टि की निवास स्थिति का निर्धारण, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो निवास स्थिति के आधार पे, वो तो बताया था उसके निर्धारण के आधार पे, निवास स्थिति के आधार पे भी हम इनको 3 श्रेणियों में विभाजित करेंगे, निवासी, रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पे निवासी, रेजिडेंट, नंबर 2 असाधारण निवासी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नंबर 3 अनिवासी, नॉन रेजिडेंट। तो आयकर अधिनियम की धारा 6 के अनुसार अपन ने 3 भागों में बांट दिया इसको। एक व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति की का निर्धारण करने के लिए अपने को इन शर्तों का पालन करना पड़ता है। पहली शर्त है वह करदाता गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन अथवा इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। नंबर 2 पहली शर्त के अंतर्गत गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो और गत वर्ष में भी कम से कम 60 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। परंतु इस संबंध में कुछ अपवाद भी है और उसके लिए, अपवाद के लिए 60 दिन के स्थान पर करदाता को भारत में रहने की अवधि 182 दिन मानी जाए। उसमें एक ऐसा भारतीय नागरिक जो कि गत वर्ष में भारतीय जहाज के कर्मचारी के रूप में भारत से बाहर रवाना होता है, बी कह दो
ऐसा भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में भारत के बाहर नौकरी करने हेतु भारत छोड़कर जाता है अथवा सी भारतीय मूल का व्यक्ति या भारतीय नागरिक जो मूलतः भारत के बाहर रहता है तथा गत वर्ष में भारत में भ्रमण के लिए आता है, किंतु ऐसे व्यक्ति जो विदेश में अपनी नौकरी के त्याग पत्र देकर भारत लौट रहा है या लौट जाता है उस पर यह अपवाद लागू नहीं होगा। ये तो है वैक्सीन की निर्धारण के लिए पहली शर्त। दूसरी शर्त है वह गत वर्ष से तुरंत पूरे के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो, अर्थात उसने गत वर्ष से तुरंत पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा। तीसरी, वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या इससे अधिक भारत में रहा। ये तो है शर्तें। अब मैंने 3 स्थिति बताई थी आपको, निवासी, असाधारण निवासी, एलियंस। निवासी के लिए पहले की 2 शर्त है, उनमें से किसी एक शर्त को पूरा करना होता है, उसके बाद दूसरी और तीसरी शर्त को पूरा करना होता है तो वह व्यक्ति भारत में निवासी माना जाएगा। दूसरी, असाधारण निवासी, यदि व्यष्टि करदाता पहली शर्त की पूर्ति करता है परंतु दूसरी और तीसरी शर्त की पूर्ति नहीं करता है तो वो भारत में असाधारण निवासी माना जाए। और तीसरी शर्त है, तीसरा है अनिवासी, यदि वैश्विक करदाता पहली शर्त की पूर्ति नहीं करता है तो वो भारत में अनिवासी माना जाएगा, चाहे वो दूसरी और तीसरी शर्त की पूर्ति करे, पहली शर्त की पूर्ति नहीं करता। तो स्पष्ट हो गया अपने लिए, निवासी को तीनों शर्तों की पूर्ति करना है, असाधारण निवासी को पहली शर्त पूरी करना जरूरी है, और अनिवासी पहली शर्त की पूर्ति नहीं करता है तो वो अनिवासी माना जाएगा, दूसरी और तीसरी की पूर्ति करे चाहे नहीं करे। इसमें कुछ स्पष्टीकरण है, रहने से आशय भारत में किसी भी स्थान पर निवास करने से है। दूसरा, यदि कोई वैश्विक करदाता अपने आप को असाधारण निवासी मानता है तो यह सिद्ध करने का उत्तरदायित्व तो उसी का होता है। तीसरा, भारतीय मूल के व्यष्टि से आशय, भारतीय मूल के व्यष्टि से आशय उससे है उसका स्वयं का अथवा उसके पिता का जन्म या उसके दादा दादी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। चौथी बात, अविभाजित भारत से आशय तात्पर्य पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ है उससे पूर्व से है। ये तो था अपना व्यष्टि करदाता। 2 नंबर पे आता है हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब इसकी निवास स्थिति का निर्धारण भी जैसे अपन ने व्यष्टि का किया है वैसे ही किया जाएगा। हिंदू अविभाजित परिवार को भी 3 श्रेणियों में बांटेंगे, निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी। पहले अपन शर्त देखते हैं क्या है। पहली शर्त के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में स्थित, या अपन दूसरे में कहो हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण आंशिक रूप से भारत में स्थित। दूसरी शर्त, हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष में
गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में भारत का निवासी रहा। और तीसरी शर्त है, हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। ये तो होगी शर्तें। अब इसमें भी निवासी हिंदू अविभाजित परिवार वो माना जाएगा जो तीनों शर्तों की पूर्ति करता है। दूसरा, असाधारण हिंदू अविभाजित परिवार वो माना जाएगा जो सिर्फ पहली शर्त की पूर्ति करता है परंतु दूसरी और तीसरी की पूर्ति नहीं करता है। और अनिवासी जो पहली शर्त की पूर्ति नहीं करता है या दूसरी और तीसरी की वो पूर्ति करे या नहीं करे, वो अनिवासी माना जाएगा।